Today I am going to explain you chapter part 2 of chapter 5 and physics law of class 9 of thrust and flux, Archimedes principle and flotation. So let's start with density of a body or substance. What is density? So it is, density is defined as mass per unit of volume, simply mass upon volume. So density is equal to mass upon mass of the substance upon volume of the substance. इसे दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये आप देख रहे हैं ये रो है, या इसे हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू होगा एम अपॉन वी. तो एम क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, और वी जहां वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द डेंसिटी. तो क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है. लेकिन जैसे ही क्या नाम इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. अब क्या है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है कि जब वाटर को पहले गर्म करते हैं तो इसका वॉल्यूम जीरो से कम हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डिग्रीज. एंड यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीज पॉइंट होता है. जब 4 डिग्री सेल्सियस बहुत लिक्विड फॉर्म में गर्म हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, हीट जो है डिक्रीज हो जाता है. एंड आफ्टर अटेनिंग मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, इट इज फर्दर हीटेड इट्स वॉल्यूम, यानी कि इसे फिर से गर्म किया जाता है जिससे इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है. तो इसी को बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. अगर हम आगे बात करें तो यूनिट ऑफ डेंसिटी, जैसे हम अभी हमने बात की थी डेंसिटी के बारे में, तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होता है, जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सीजीएस यूनिट जो होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी यानी कि अब रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हम आपको बता दें कि जो ग्राम पर मीटर पर क्यूब में जो डेंसिटी जो वाटर की होती है वो 1 होती है, जबकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है 1000. अब बात करें रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ये है रो, रो यानी आप समझ सकते हैं ये डेंसिटी का सिंबल है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू एम मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर. तो अभी हमें दो फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे. पहला जो फॉर्मूला वो है आपका डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस. क्या है पहला फॉर्मूला देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि वेट जो होती है वो मास ऑफ द बॉडी के बराबर होता है. एंड वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ये लॉस ऑफ वेट है, यानी कि जो वेट ऑफ द बॉडी जो एयर है और जब वो वाटर में जाती है तो उसका बॉडी जो है उसका जो वेट है वो कम हो जाता है. यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया है वेट ऑफ द बॉडी माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर. तो इसको हमने W1 मान लिया है और इसको मान लिया है आपको, यानी जो एयर में जो वेट था उसमें से हमने W2 यानी कि जो वेट ऑफ द बॉडी है वाटर घटाने पर जो लॉस ऑफ वेट है ऑब्जेक्ट का वो आ जाएगा. अब आगे बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय हार्मोनिक प्रिंसिपल क्या होता है. देखिए तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, W1 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर, एयर, ये जो W1 है ये सॉलिड का जो वेट है वो कहाँ, हवा में. W2 जो है वो कहाँ है, लिक्विड में. तो W1 माइनस W3 का मतलब ये है कि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो एयर में है, लॉस ऑफ द वेट जो हम निकालेंगे, W3 मतलब है कि जो वाटर, यानी कि हम लिक्विड कुछ और भी हो सकता है जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, तो वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर क्या होगा, W3. तो ये जो W1 माइनस W3 का मतलब लॉस ऑफ वेट है, ऊपर भी W1 माइनस W2 का मतलब लॉस ऑफ वेट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज. तो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, क्या है न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. ये पार्ट सेकंड में डेंसिटी ऑफ वाटर इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको निकालना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. देखिए अब सीधा अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे 13.6 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे हो जाएगा 1000, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10^-6. क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट में है तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्योंकि आपको डेंसिटी दी है वो है, इसका आंसर ये है. सेकंड पार्ट की बात करते हैं, क्या है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी, कितना दिया उन्होंने 13.6. इसको सीजीएस और ऐसा यूनिट में लिखना है. सीजीएस यूनिट में जब हम लिखेंगे इसको, देखिए सीजीएस में क्या आएगा, 13.6 सीधा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट. अगर सेकंड पॉइंट की बात करेंगे एसआई में, एसआई क्या करेंगे 13.6
सिक्स सेवन, यानी कि ये क्या है ग्राम परसेंटेज, जैसे हमने यहाँ किया ना टू टू टू, यहाँ हो जाएगा सेम टू सेम 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ सिलेबस, क्या थर्ड क्वेश्चन दिया है, डेंसिटी ऑफ सिलेबस दिया आपको इतना, फाइंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ सिलेबस आपको कितना दिया है, तो डेंसिटी ऑफ सिलेबस जो है वो आपको 10.8 × 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 40 से होती है 1000, तो डेंसिटी जो ऑफ वाटर की बात करेंगे वो होती है आपकी 10^3, ठीक है। तो इस तरीके से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बात करेंगे तो ये होती है आपकी। तो आगे हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4°C। तो आपको सब्सटेंस डेंसिटी थी वो कितनी दी है 10.8 × 10^3 कितना किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जाएगा 10^10.8, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, हमें क्या निकालना है आपको देखिए, आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी निकालना है, यानी इसका मास दिया है आपको कितना 1404 kg, और जो रिलेटिव डेंसिटी है वो आपको उन्होंने क्या दी है, रिलेटिव जो डेंसिटी है वो दिया उन्होंने आपको 0.5। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्म में जो रिलेशनशिप होता है रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी क्या होता है देखिए, बात करेंगे नाउ रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है तो आप क्या कर देंगे मास अपॉन इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 400°C। देखिए मास कितना है आपका, देखिए आपको दिया हुआ है 1040 kg, वॉल्यूम कितना होता है आप जानते हैं, इतना वॉल्यूम हमें निकालना ही है तो 0.52 उन्होंने दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ वाटर दी क्या किलोग्राम में है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, तो डेंसिटी इसके अगर सीधा मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है यहाँ 1 आएगा सीधा, क्योंकि तो वी इंटू हम सॉल्व करेंगे सीधा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 400°C कितना होता है, स्टूडेंट किलोग्राम में तो यहाँ क्या जाएगा 10^3, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो जी इक्वल टू हो जाएगा 1040 × 10^-3 अपॉन यहाँ 0.52। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1440 × 10^2 × 10^-3 अपॉन 52। तो सीधा आपका बचेगा 104/52, यानी कि आंसर आएगा 2 m³। अब क्या पूछा थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ में, कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 5, साइड जो दिया उन्होंने कितनी दी है 5 m दिया उन्होंने, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का पहले निकालेंगे हम क्या, वॉल्यूम ऑफ जो है वो क्यूब क्यूबिकल बॉक्स अगर निकालेंगे क्या आएगा, क्यूब कर देंगे 5 m का, हो जाएगा 125 m³। क्या पूछा आपसे, मास पूछा है आपसे, m पूछा है, जबकि आपको उन्होंने डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है लेकिन d दिया हुआ है, तो क्या दिया 1.3 kg/m³। तो सीधा फार्मूला क्या होता है जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m अपॉन v, 1.3 इज इक्वल टू m आपसे पूछ रहा है, v कितना दिया उन्होंने 125, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा m इज इक्वल टू 1.3 × 125, यानी कि m इज इक्वल टू कितने क्या आएगा किलोग्राम में ही आएगा, तो 35 से 65 डेसिमल एक पॉइंट के बाद 6 क्या है 13 × 2 = 26 और 6 हो जाएगा 32, 3 क्या है 30 और 3 60, तो कितना आ गया आपका मास 162.5 kg।
और देखिए 9 और 10 है, 9 देखते हैं क्या है, अ सॉलिड वेज 99 जीएफ इन एयर, यानी एयर में जो उसका वेट है वो कितना है 99, इसको हम बात कर रहे हैं, यानी W1 आपको दिया है 99 जीएफ। इसका कह रहा है कि 88 जीएफ जो है वाटर में है, यानी W2 है वो आपका कितना है 88 जीएफ। तो क्या पूछा, व्हेन इमर्स्ड कंपोनेंट थ्रोटल डूबी हुई है तो रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है लेकिन निकालेंगे नाउ, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमने आपको W1 अपॉन W1 माइनस W2, W1 कितना है आपका 99, इधर हो जाएगा 99 माइनस 88, इधर आएगा 99 अपॉन 11 यानी कि 9। मैंने आपको पहले बता दिया रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए आंसर सिर्फ क्या आएगा 9। अब बात करें क्वेश्चन पर, ध्यान क्या है, रिलेटिव डेंसिटी आपको दी है 10, ठीक है, आपको जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या दी है, यानी कि रिलेटिव जो डेंसिटी है वो आपको दी है 10। वेस्ट 20 एयर, एयर में वेट कितना है, यानी कि आप बात करें तो W1 कितना है आपका 20 जीएफ। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट इन वाटर, यानी कि देखिए अगर हम बात करें यहां पर तो आपको रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है 10, एयर में कितना, तो आपको क्या पूछ रहा है आपसे W2 आपसे पूछ रहा है, लेकिन कैसे करेंगे नाउ, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला W1 अपॉन W1 माइनस W2, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 10, 10 इज इक्वल टू W1 कितना है 20 अपॉन 20 माइनस W2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो क्या आएगा देखिए, इससे करेंगे तो आएगा 200 माइनस 10 W2 इज इक्वल टू 20, इसको उधर ले जाइए 10 W2 इज इक्वल टू आपका आएगा 180, तो W2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 GF, कितना आ गया 18 GF, यानी कि वाटर में जो वेट है ऑब्जेक्ट वो कितना है 18 GF ग्राम। चलिए अब हम बात करेंगे फ्लोटेशन के बारे में, फ्लोटेशन क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल फ्लोटेशन की सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल फ्लोटेशन द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी यानी जो तैरती जो वस्तु है उसके वेट जो बराबर होता है किसके बराबर, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स, यानी जो लिक्विड का वेट उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, उसके बराबर जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है, सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी इट्स सबमर्ज, यानी जो हिस्सा डूबा हुआ है जितना हिस्सा डूबा हुआ होता है उतना ही हिस्सा, उतना ही मतलब उसकी जो लिक्विड की जो अमाउंट होती है मात्रा होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, तो वो दोनों जो है वो इक्वल हो जाते हैं, ये कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो वेट ऑफ द बॉडी की अगर बात करें तो ये वेट क्या होता है, ये एक फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पृथ्वी के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर वेट लगता था कि वो ऑब्जेक्ट सीधी में, यानी कि इट एक्ट्स वर्टिकली सीधी खड़ी लंबवत डाउनवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स टेंडेंसी इज टू सिंक, इसका वर्क होता है कि जो ऑब्जेक्ट अगर पानी में डाली जाए तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाए, फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू VdGV जहां वॉल्यूम है, डी आप जानते हैं डेंसिटी है, जी ग्रेविटी। अब थर्स्ट फोर्स लावण में क्या होता है, इट एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड्स, यह लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है उस ऑब्जेक्ट पर नीचे से ऊपर की ओर थ्रू द सेंटर ऑफ ब्योवेंसी, ब्योवेंसी आप जानते हैं क्या होता है, हमने बताया था कि फोर्स है जो किसी भी लिक्विड के द्वारा जब किसी ऑब्जेक्ट डूबा जाता है तो ऊपर कोई फोर्स लगता है जैसे अपथर्स्ट बोलते हैं या ब्योवेंसी बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू VdGV, यानी कि ऊपर जो है वो वेट ऑफ द बॉडी है ऑब्जेक्ट का और नीचे जो है वो अपथर्स्ट फोर्स का फॉर्मूला है। तो अभी हमने क्या कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पानी में सबमर्ज्ड होती है तो जो उसके द्वारा जो लिक्विड जो डिस्प्लेस किया था वाटर जो डिस्प्लेस किया था तो वो अपथर्स्ट फोर्स के बराबर होता है, W इज इक्वल टू W क्या हमारा था VdGV और ये आपका जो है ये कैपिटल V है जबकि ये है आपका स्मॉल V, D जहाँ डेंसिटी तो VdGV स्मॉल VdGV, तो क्या होगा स्मॉल V अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू D अपॉन डी डैश, जहाँ D जो है वो डेंसिटी ऑफ यानी कि जो डूबी हुई ऑब्जेक्ट है क्या है सबमर्ज्ड है वो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इधर जो स्मॉल वी है वो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है, कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, स्मॉल डी डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, और ये जो है वो डी डैश जो है वो डेंसिटी ऑफ द
लेकिन फाइनली हम बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है यानी आर्टरीज प्रिंसिपल, वो किन किन चीज़ों पर अप्लाई होता है। पहला फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दूसरा फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन्स, यानी कि जितने भी आपको पॉइंट्स हमने दिए हैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल ऑफ आर्टरीज पर बेस्ड हैं, जैसे कि फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग या फ्लोटेशन ऑफ फिश या राइजिंग ऑफ बलून्स फिल्ड विद लाइट गैसेस जैसे हीलियम और आपका नाइट्रोजन होता है, या फ्लोटेशन ऑफ शिप्स मेड ऑफ आयरन। ये भी किसके बेस पर, सारे आर्कमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर ही सारे एप्लीकेशन यूज होते हैं। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे, यानी कि अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसमें आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, और इससे पहले जो दो फॉर्मूला लगाए वो इस चैप्टर के फाइनल में यूज होंगे। तो अब न्यूमेरिकल्स की बात करें तो क्या है, पहले अ वुडन पीस ऑफ फ्लोट्स ऑन वाटर विद 1/4 पार्ट ऑफ आउटर, यानी कि ये हिस्सा जो है बाहर जो सबमर्ज पार्ट ऑफ क्या आएगा, सबमर्ज पार्ट ऑफ वुडन पीस, और हम बात करें तो वी माइनस वी अपॉन फोर इज इक्वल टू फोर वी माइनस वी अपॉन फोर, यानी कि थ्री वी अपॉन फोर। अब क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वुड, अगर हम बात करें तो जो वेट ऑफ द जो वुड होगा वो किसके बराबर होगा, नाउ वेट ऑफ द वुड होगा वो क्या होगा, यानी कि जो लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड है, यानी कि आप बात करेंगे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। तो वेट का फॉर्मूला हमने बताया था कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा, वी डी जी, तो वी डी जी इज इक्वल टू वेट भी ऐसे होगा वी, डी कितना है अगर वी जो है आपका कितना है 3V/4D1 × G, तो जी से जी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो डी बराबर कितना आ गया 3.3/4, सॉल्व करेंगे 0.7 × 4/7 = 28 × 4/5 = 20। डेंसिटी हमेशा किसमें होता है, चूँकि इसमें ग्राम में, देखिए आप देख सकते हैं तो आएगा ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि क्या होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर मीटर क्यूब नहीं है सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन थ्री क्या है, अ पीस ऑफ वैक्स फ्लोट ऑन ग्राइंड, ठीक है एक मोम का टुकड़ा जो तैर रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन आउटसाइड, तो कौन सा हिस्सा जो है वो इसके ऊपर रहता है, तो डेंसिटी ऑफ वैक्स दिया उन्होंने 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ ग्राइंड दी है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए निकालते हैं, अगर फॉर्मूला हम बात करें तो फॉर्मूला जो आपका होता है फॉर फ्लोटेशन की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर फ्लोटेशन PA2IO क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल डी अपॉन डी डैश, आप जानते हैं कि ये जो होता है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी, ऊपर टोटल ये है आपका वॉल्यूम है और ये मास पार्ट का, तो क्या आप करते हैं स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी इज इक्वल टू डी, कितना दिया है आपको, दिया है उन्होंने 0.95 डी दिया है आपको 1.1। तो अब जब कैसे मैं कैसे रिड्यूस हो जाएगा तो क्या आएगा, देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल वी इज इक्वल टू हो जाएगा 95/11 × कैपिटल वी, सॉल्व कीजिए क्या आएगा 11 और सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है कितना आएगा, अगर आंसर की हम बात करें तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.86, कितना आएगा 0.86 कैपिटल, यानी कि टोटल वॉल्यूम है। हमें निकालना कौन सा पार्ट, ये इमर्स्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट है इमर्स्ड पार्ट है, तो हमें निकालना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन आउटसाइड, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा नाउ फ्रैक्शन ऑफ wax remain outside is equal to 1 − 0.86 करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.12, यानी ये वो हिस्सा है जो ब्राइन से ऊपर बना रहता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मर्करी कोई लोहा जो तैर रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच रिमेन्स, यानी डूबा हुआ हिस्सा हमको बताना है, देखिए उन्होंने आयरन का दिया है और
पर करके सीधे फॉर्मूला लगाएंगे फॉर फ्लक्चुएशन, अपर सीधा फॉर्मूला होता है स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन डी जे स्क्वायर, क्या आएगा स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 कट जाएगा, डेसिमल प्लेस में हट जाएगा, क्या आएगा देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल वी इज इक्वल टू हो जाएगा 78 कैपिटल वी अपॉन 136, तो रिड्यूस करेंगे तो आपका जो आंसर को आपका आंसर जो आएगा वो आएगा सीधा क्या आएगा स्मॉल वी इज इक्वल टू 0.574 यानी कि कैपिटल वी, तो यानी कि ये वो हिस्सा है यानी कि ये वो पार्ट है जो डूबा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे क्या है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इज 19.3, आपको जो गिवन है वो क्या है देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी है वो इन्होंने दी है आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ जो गोल्ड है वो दी है 19.3 और कह रहे हैं कि ए कस्टमर बाय द बैंगल वेइंग 41.495 ग्राम फ्रॉम जॉर्डन, चेक कर ये चेक पता लगाने के लिए कि गोल्ड जो प्योर है या नहीं, तो वो कस्टमर वेज इन वाटर पानी पे होता तो उसका वजन आता है 39.345 ग्राम, तो बताइए कि जो बैंगल है वो सोने से बना हुआ प्योर सोने बना हुआ उसे मैथमेटिकली ड्राइव हमें करना है, देखिए क्या आएगा हम निकालेंगे ना तो उन्होंने क्या कह दिया वो समझ लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें यानी कि जो आपको डेंसिटी दी है यानी कि डी जी यानी कि आपको डी एस जो दिया है वो 41.495 ग्राम दिया है, जबकि रो तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी है गोल्ड 39.3.5, तो आप देखिए क्या करेंगे नाव हमें सिर्फ वेरीफाई करना है नाव जो रिलेटिव डेंसिटी इसकी निकालती है देखते क्या आती है, क्या वही आती है जो उन्होंने दी हुई है, सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू बात करेंगे रो एस अपॉन रो डब्ल्यू यानी कि हम डिवाइड करेंगे 41.495 अपॉन 39.345, देखते हैं क्या आपकी रिलेटिव डेंसिटी है वही है, तो अब डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा 19.3, तो इसी तरह क्या है क्या पूछ रहे हैं वो कि प्रूफ दैट बैंगल इज, तो लिख देंगे हैंस बैंगल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बलून वॉल्यूम 10^9 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ड विद लाइट गैस ऑफ डेंसिटी, उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको 0.18 किलोग्राम पर मीटर, व्हाट मैक्सिमम लोड इट कैन लिफ्ट, देखिए उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है बात करेंगे वेट ऑफ बलून क्या है देख सकते हैं आप, वेट ऑफ बलून है वो आपको दिया है, फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं कि वीडीजी होता है, वॉल्यूम उन्होंने कितना दिया है 1000 यानी कि क्या होता है 1000 इंटू डी की बात करेंगे तो 0.8 दिया है उन्होंने 1.8 और जी आपका होता है कितना आ जाएगा सीधे सॉल्व करेंगे तो 180 kg एफ ये आपका वेट है किसका बलून का वेट है। अब हम बात करेंगे अब थ्रस्ट के बारे में तो अब थ्रस्ट क्या आएगा, अब थ्रस्ट का फॉर्मूला भी यही होता है ठीक है, तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला भी आपका यानी कि वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, तो अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सेम टू सेम टू यही आएगा आपका यानी कि 1000 इंटू क्या था उन्होंने दिया था 1.3, तो 1.3 इंटू जी यानी कि आ जाएगा आपका 1300 kgf क्या आ जाएगा 1300 kgf। तो अब क्या पूछ रहे हैं आपसे इट हाउ व्हाट लोड इट कैन बी लिफ्ट अप, तो देखने का लेंगे ना नेट फोर्स इन अपवर्ड बात करेंगे तो क्या आएगा इसके आगे हम बात कर रहे हैं देखिए क्या आएगा तो नेट फोर्स इन अपवर्ड आपका आएगा फिर आप क्या कर देंगे 1300 से आप माइनस कर देंगे सीधा आ जाएगा आपका 1300 माइनस 180 इज इक्वल टू आ जाएगा सीधा 1120 kgf कितना आएगा
kgf यानी कि जो बलून है वो 1120 kgf तक का वेट लिफ्ट कर सकता है। इसके साथ ये चैप्टर और ये पार्ट दोनों फिनिश होते हैं।